विचारों के प्रवाह के कि इस यात्रा को जो आपने एक मार्ग दिया है, इसके लिए हम सदैव आभारी रहेंगे। आदरणीय डॉक्टर संजय द्विवेदी जी ने जो सूत्र वाक्य अंत में रखा था, उसकी व्याख्या आपने इतने अच्छे ढंग से की। वन हमारी चेतना का केंद्र किस तरह से रहा, इस पूरे देश की संस्कृति के चैतन्यता का केंद्र किस तरह से रहा और आज भी है, हो सकता है। यह व्याख्या आप दोनों लोगों से सुनकर समझकर हम इसे और आगे बढ़ाएंगे, इस विचार मंथन को आगे बढ़ाएंगे। जड़ों से जुड़ने की जो बात हुई, तो उस समाज से जिसकी चर्चा यहाँ हो रही है, जहाँ वह यह विषय वह जब खड़ा किया गया कि अलग है नहीं है, तो जिस समाज को केंद्रित किया गया उस समाज के प्रतिनिधियों को साथ लेकर के चर्चा करने का यह उपक्रम आज हम लोगों ने किया, और उनके अलग अलग सत्रों में अलग अलग प्रतिनिधि सभी वर्गों के प्रतिनिधियों ने यहाँ अपने अपने विचार रखे। तो ऐसे ही हमारे आदरणीय सांसद श्री दुर्गादास उइके जी उपस्थित हैं, जो उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसको इस पूरी अवधारणा के केंद्र में हम कहें कि चिन्हित किया गया, और जहाँ पर हमें इन अवधारणाओं को सटीक परिदृश्य में लाने की आवश्यकता भी है। तो मैं निवेदन करूँगा आदरणीय श्री दुर्गादास उइके जी से कि आप अपने अध्यक्षीय उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। पूजा वेदी पर सूक्ष्म रूप से आवाहित जिनके सूक्ष्म संरक्षण और मार्गदर्शन में ये दो दिवसीय वैचारिक यात्रा समाप्ति की ओर है, हमने उनको हाजिर नाजिर जानकर इस वैचारिक अधिष्ठान की शुभारंभना की थी, और ये दो दिवसीय जो दिव्य और भव्य युगानुकूल समसामयिक विचार प्रवाह यहाँ से प्रवाहित हुआ, और राष्ट्रीय चिंतन मंथन के साथ में राष्ट्र की एकात्मता और जनजाति संस्कृति के बारे में अपने अंतस से और सभी दिशाओं से, सभी शास्त्रों से और वैश्विक परिदृश्य से विविध प्रकार के तथ्य, विविध प्रकार के प्रमाण और भिन्न भिन्न तरीके से हमने इसको प्रतिपादित करने का प्रयास किया। आज हमारे बीच में परम आदरणीय हमारे ज्येष्ठ डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, जिनने बहुत ही प्रेरक और विचार उद्वेलक हमको विचार प्रवाह से जोड़ा, और नीचे से लेकर अनंत की यात्रा उन्होंने हम सबको कराई है, और एक नया दर्शन, एक नई संकल्पना उन्होंने हम लोगों को दी है। हमारे बीच में सम्माननीय डॉक्टर संजय द्विवेदी जी, आपने भी बहुत ही प्रखरता के साथ में अपने विषय की प्रस्तुति की, हम सबका कुशल प्रेरक मार्गदर्शन किया। हमारे बीच में हमारे परम आदरणीय हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और वनवासी कल्याण आश्रम के हमारे ज्येष्ठ, जिनके कुशल प्रेरक नेतृत्व में समूचे राष्ट्र में जनजाति समाज के हितों का संरक्षण कैसे हो, इस दिशा में राष्ट्रीय क्षितिज पर बहुत ही प्रेरणास्पद तरीके से वे काम कर रहे हैं, हम सब उनके अनुयायी हैं। ऐसे परम आदरणीय श्री गिरीश कुबेर जी दर्शक दरगाह में हमारे बीच में हैं। हमारे बीच में सम्माननीय श्री रविशंकर जी, सम्माननीय श्री रितेश पाठक जी, और हमारे बीच में इस आयोजन के जो आयोजक हैं,
जिन्होंने ये बहुत ही गुरुतर कार्य, जिसमें छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी समस्याओं को झंकृत करने वाले विविध प्रकार के शोध पत्रों को यहाँ पर वाचन करने का जो अवसर दिया, ये बहुत ही बड़ा कदम है और ये ऐसी वैचारिक क्रांति का सूत्रपात है। यहाँ से जो हीरे मोती जवाहरात यहाँ से निकलेंगे और विविध क्षेत्रों में राष्ट्र की एकता अखंडता और सामाजिक समरसता को क्षति पहुँचाने वाली जो प्रतिगामी शक्तियाँ हैं उनके विरुद्ध एक वैचारिक आंधी पैदा करने का काम ये सारे के सारे विचारक, चिंतक, साधक, सिद्ध, यति, तपस्वी यहाँ से प्रेरणा लेकर प्रस्थान करेंगे। तो आज मैं श्री अजीत जी शुक्ल जी का अभिनंदन करता हूँ, सम्माननीय श्री धी प्रज्ञ द्विवेदी जी, क्या गजब, मैं उन माता पिता का अभिनंदन करता हूँ कि इतने प्रेरक और गहन नाम रखे। वहीं हमारे श्री अवधेश जी मिश्र जी, श्री ब्रजेश जी श्रीवास्तव, ये चारों स्तंभों ने, धर्म के भी चार चरण हैं, चार स्तंभ हैं, प्रजातंत्र के भी चार स्तंभ हैं, चारों इन प्रेरक व्यक्तित्वों ने ये दो दिवसीय कार्यशाला यहाँ पर संपन्न कराई और बिल्कुल अंतिम वक्ता के रूप में मैं यहाँ पर प्रस्तुत हूँ, और वो भी अध्यक्षीय उद्बोधन बहुत ही मर्यादा और बहुत ही शारगर्वित विषय की प्रस्तुति के लिए रहता है। और मैं तो बहुत अभिनंदन इस बात के लिए भी करता हूँ कि 35-40 मिनट का पीरियड होता है और उसमें मस्तिष्क की भी एक सीमित क्षमता है। लगातार दो दिवसों से इस एक विषय से संबंधित संबद्ध कुछ दो तीन विषयों पर गंभीर चिंतन मंथन यहाँ पे लगातार चल रहा है और ये समापन की ये बेला है। ऐसी स्थिति में कुछ ज़्यादा इस विषय को स्पर्श करने का कोई कारण है नहीं, फिर भी मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आज समूचा राष्ट्र आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और मित्रों, इन आज़ादी के 75 वर्षों में हमने क्या खोया, क्या पाया, ये सच्चे अर्थों में आत्मचिंतन और आत्ममंथन का ये वर्ष है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसको अमृत काल कहा है। मित्रों, अमृत काल बहुत ही विशिष्ट कालखंड है, हमारे ऋषियों ने बहुत व्यापक विशद व्याख्या इसकी की है कि इस कालखंड में वे सारे के सारे जो भी मनोरथ होते हैं वे सिद्ध होते हैं, चाहे वे लौकिक हो या पारलौकिक हो। तो ये कालखंड में जब हम 75 आज़ादी के 75 वर्षों में हमने क्या खोया, क्या पाया, क्या इतिहास में हमसे त्रुटियाँ हुई हैं, भूलें हुई हैं, उनको कैसे हम शोधित करें, कहीं यदि हमारे चिंतन चरित व्यवहार में कुछ दोष आ गए हैं तो हम उसको कैसे शोधित करके और हम एक अच्छी दिशा में स्वयं और दूसरे लोगों को चलने के लिए हम प्रेरित कर सकें, इसके लिए मित्रों आज हम एक सामाजिक विषय को लेकर यहाँ पर सारे लोग एकत्रित हैं और हजारों लाखों लोगों ने जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने में अपने प्राणों की आहुतियाँ दी हैं, जिन्होंने उत्कृष्ट कृतित्व के माध्यम से, अपने व्यक्तित्व के माध्यम से नए प्रतिमान प्रतिष्ठापित किए हैं, उन लोगों को भी अभिनंदन और उनका पावन स्मरण करने का ये कालखंड है कि उन्होंने जो कुछ आने वाली पीढ़ियों के लिए धरोहर के रूप में छोड़ गए, हम उनका भी इस आज़ादी के 75वें अमृत वर्ष में उनका ध्यान करते हुए, उनका स्मरण करते हुए और उनके प्रति पावन श्रद्धांजलि मित्रों हम ज्ञापित करते भी हैं। और आज का जो विषय है मित्रों, मैं उसके दो तीन बिंदुओं को मैं रोक नहीं पा रहा हूँ, मेरी प्रार्थना है कि धैर्य के साथ में आप उसको सुनेंगे तो अच्छा होगा। मित्रों, जनजाति समाज सच्चे अर्थों में हमारे सनातन की आधारशिला है। हम आखिर युग से लेके जो मानव जाति की शुभारंभना से यदि हम उसकी ओर यदि हम आगे बढ़ते हैं तो ध्यान में आता है कि उस कालखंड के जो लोग थे वे हमारे पूर्वज थे ही,
किंतु धीरे धीरे जिस तरीके से सभ्यताएं विकसित हुई और जिसको जैसे अवसर मिले, उन अवसरों के आधार पर व्यक्ति विविध क्षेत्रों में प्रगति करता हुआ आगे बढ़ते गया है। सम्माननीय साथियों, विश्व आदिवासी दिवस या मूल आदिवासी के बारे में बहुत ही व्यापक गहन चिंतन मंथन किया है। मित्रों, ये सिद्धांत हमको सब ध्यान में आता है कि बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को निगल जाती हैं। इसी परंपराकार, इसी पार्श्विक नैसर्गिक मनोवृत्ति का परिचय देते हुए, उस कालखंड में भी जो विकसित सभ्यताएं थी उसको नष्ट भ्रष्ट करके, चाहे उत्तरी अमेरिका हो दक्षिण अमेरिका हो, उस कालखंड में जनजाति ऑस्ट्रेलिया से लेकर दक्षिण अफ्रीकी देशों में एक विकसित सभ्यता को लिए हुए जनजाति समाज रहा है। और मित्रों, मध्य प्रदेश का मैं निवासी हूँ। मध्य प्रदेश में हमारे जनजाति समाज के 52 किले थे, 52 राजा थे। जब मैं इतिहास के भूगर्भ में जाता हूँ तो ध्यान में आता है कि इतना गौरवशाली और इतना अपने राष्ट्र धर्म और संस्कृति के प्रति जीने वाला ये समाज आज जिस स्थान पे खड़ा है, उसके साथ में मैं डॉक्टर साहब एक संदर्भ जोड़ता हूँ। मैं लगभग एक सप्ताह सोमनाथ का मंदिर क्यों लूटा और उस कालखंड की क्या परिस्थितियाँ थीं, उन तमाम ऐतिहासिक तथ्यों की खोज के लिए, तो मेरे ध्यान में आया कि उस कालखंड में सोने की चिड़िया भारत को कहा जाता था। भाइयों बहनों, विदेशी आक्रांता जिस तरह से देश में आए और उन्होंने हमारे वैभव को, हमारे सांस्कृतिक धरोहर को, सारे हमारे ऐतिहासिक पौराणिक स्थलों को जिस तरीके से ध्वस्त किया, ध्वस्त ही नहीं किया अपितु जिस भूमि में देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं, जहाँ चार ऋतुएं, मित्रों ये सौभाग्य भारत माता को, भारत भूमि को ही मिला हुआ है कि गर्मी में आप गर्मी का मजा लें, ठंड में मजा लें, बरसात में, और बसंत ऋतु का अपना आनंद लें, ऐसा सौभाग्य कहीं नहीं मिला। मैं राष्ट्र की समग्र व्याख्या नहीं करना चाहता मित्रों, लेकिन देवता भी तरसते थे इस बात को हमको कोट करके, और इसकी गहनता को हमको अंगीकृत करने की आवश्यकता है। आज भी मित्रों, वैसे ही वैभवशाली राष्ट्रों को उस कालखंड के आक्रांताओं ने, और सही मायनों में जो लोग बहुत ही कम मात्रा में बचे हुए हैं, सीमित बचे हुए हैं, उनके लिए जो चिंता की, इसका क्लासिफाइड करके, वर्गीकृत करके मित्रों, नए संदर्भ में जनजाति समाज के सामने इस विषय को लिखित और हर तरह से ये अंतिम व्यक्ति तक ये विषय को जो आज हमारा हुआ इसको पहुंचाने की आवश्यकता है। मित्रों, दूसरा एक मैं कहना चाहता हूँ, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा प्रकृति पूजक, मित्रों प्रत्येक व्यक्ति जन्म से ही, ये देह ही पंच तत्वों से बनी है और इसकी आपको विदित है कि गुरुकुल में जब व्यक्ति का एडमिशन होता था तो सर्वप्रथम मुंडन संस्कार और यज्ञोपवीत संस्कार के बाद में, मित्रों मैं कौन हूँ यहाँ से यात्रा शुरू होती थी। तो ध्यान में आता था गुरुजी कि ये मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ या शरीर हूँ, तो शरीर काय से बना, तो पंच तत्वों से बना। तो मित्रों, पृथ्वी की व्यापकता के 23 अक्षांश पे घूमती हुई धरा, और उसको इतना व्यापक और विशद चिंतन मंथन है मित्रों, इस तरह से पंच तत्वों की जीवंतता के साथ में देह को जोड़ने की अनुपम विधा हमारी संस्कृति में रही है। और प्रकृति पूजक यदि हमारे जनजाति समाज के लोग, तो ये आखेट काल से, उस काल से ये चला आ रहा है कि धरती हमारी माँ है। वहीं मित्रों, हम माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याम, ये अथर्ववेद में मित्रों हमारे ऋषियों ने हमको कहा कि ये धरती माता, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, तुम मेरी माँ हो। मित्रों, इस तरीके से आप देखेंगे कि प्राचीन आरण्यकों में जहाँ से ये सारा का सारा सरंजाम प्रकट हुआ, गुरुकुलों से सारे वेद साज पुराण आरण्यकों में ही लिखे गए,
और जितने भी रामचंद्र भगवान वन में जाने के बाद ही इतने सामर्थ्यवान हुए कि उस काल की अनीति अनाचार पापाचार व्याभिचार से युक्त उस कालखंड का अमेरिका रहा होगा रावण का राज्य, उसको जिस तरीके से मित्रों उस वन में रहने वाले वनवासी, आप नली लंगद हनुमान को क्या जानते हैं, आप देखेंगे कि वो वन में रहने वाले वनवासी थे जिनको धर्म का बुद्धत्व प्राप्त था, उस अनीति अनाचारी व्याभिचारी रावण के खिलाफ में उस युग पुरुष ने कैसी नेतृत्व क्षमता का अद्वितीय परिचय दिया। और मित्रों रावण रूपी अनीति अनाचार के प्रतीक की ईंट से ईंट बजाई, तो ये नल नील अंगद हनुमान, इनको उस कालखंड में भी बुद्धत्व प्राप्त था कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। मित्रों आप देखेंगे कि भगवान प्रभु श्री राम हमारे समाज की बहन, हमारी पूज्य माता शबरी माता के झूठे बेर प्रभु श्री राम ने खाए, ये कोई सामाजिक घटना है क्या? ये सामाजिक समरसता का उत्कृष्ट उदाहरण है, ये जाति भेद से परे होकर राष्ट्र की एकात्मता से जुड़ा हुआ विषय कि उस कालखंड में केवट निषाद राज केवट गले लगा ले प्रभु श्री राम, वह कैसी बात थी, कैसा गजब का विषय था। 14 वर्षों तक वन में रहे भाइयों बहनों, वहाँ के जो राजा थे वनवासी थे उन लोगों ने उनका 14 वर्षों तक भरण पोषण करने का जो महती दायित्व उन्होंने उठाया, शास्त्रों में रामचरितमानस में वर्णित भले न हो किंतु जिस राज्य में वनवासी राजा जो वन क्षेत्र में रहते थे उनके खाने पीने से लेकर फल इत्यादि की हर प्रकार से चिंता उन्होंने की, ये धर्म का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है भाइयों बहनों। रावण रूपी अनीति का सहार, आप इधर आए आप देखेंगे द्वापर युग में मित्रों घटोत्कच कौन था भैया? अरे घटोत्कच एक हेडम्बा हमारे भील जाति की बहन थी जिससे भीम ने शादी की, घटोत्कच जैसा योद्धा। दुर्योधन ने बहुत कोशिश की कि भैया हमारे तरफ से लड़ो यार, कुछ पैसा दे देंगे, ये दे देंगे, लालच इत्यादि सब दिया, लेकिन धर्म का बुद्धत्व प्राप्त था घटोत्कच को, उनने कहा नहीं साहब, हम तो भगवान श्री कृष्ण के पक्ष में लड़ेंगे क्योंकि पांडव धर्म के पक्ष में, न्याय के पक्ष में, हम राष्ट्र की एकात्मता के लिए लड़ेंगे, हम भारत की सामाजिक समरसता के लिए लड़ेंगे, हम ऐसे अनीति का पक्ष लेने वाले व्यक्ति के साथ नहीं लड़ेंगे। और आपने देखा कि घटोत्कच ने जिस तरीके से अपना वीरता का प्रदर्शन किया मित्रों, आप वही ले लो, आप खाटू श्याम जिसको हम कह रहे हैं, बर्बरिक किसका बेटा था? बर्बरिक इसी का घटोत्कच का बेटा था। बर्बरिक की वीरता और शौर्य और पराक्रम की गाथा मित्रों, गजब का वीर उस कालखंड का जो जनजाति माता का बेटा, भीम का बेटा, नाती, आपने देखा कि बर्बरिक को आज कितने सम्मान के साथ में आदिवासी माता का बेटा बर्बरिक जिसको खाटू श्याम के रूप में पूरा राष्ट्र वंदित पूजित कर रहा है और उससे पावन प्रेरणाएं ले रहा है। मित्रों आप देखेंगे कि आचार्य चाणक्य जी के बारे में कृष्ण भाई ने कहा था, भाइयों बहनों आप लोगों को विदित है कि हजारों टुकड़ों में विभक्त ये राष्ट्र जब था, जब एक शिक्षक के मन में राष्ट्र को एक माला में गूंथने की संकल्पना जागी थी, अपने जाबाज विद्यार्थियों की चेतना को चैतन्य करके अंतस और बाह्य दोनों तरीके से सबल बना के अपने विद्यार्थियों को राष्ट्र धर्म और संस्कृति की बलिवेदी पर सैकड़ों टुकड़ों में विभाजित राष्ट्र को एक माला में गूंथने की जो संकल्पना उन्होंने की थी, जो प्रतिज्ञा की थी, एक समय तो ऐसा आया था कि वो हार चुके थे। उस वक्त के जो भोगवादी और भौतिकवादी राजा थे उनको राष्ट्र धर्म और संस्कृति के प्रति कोई लगाव नहीं था, सबल राजाओं का, लेकिन आचार्य चाणक्य जी ने वन में जाकर वनवासियों को संगठित करके वन राजा का साथ लेके मित्रों फिर से इस लड़ाई की शुभारंभ की। आपने देखा कि वनवासी सेना के साथ में मिलकर उस काल के घनानंद जैसे शासक को परास्त किया और विखंडित राष्ट्र को एक माला में गूंथने का अनुपम अद्वितीय प्रयास था। क्या उस काल में धर्म का बोध नहीं था? क्या उन लोगों को राष्ट्र धर्म और संस्कृति के प्रति बुद्धत्व नहीं था? मित्रों आप ज़्यादा दूर न जाएं, आप महाराणा प्रताप जी को ले लो। महाराणा प्रताप जी के साथ में जिस तरीके से वो हल्दीबाई हमारे भील
महिलाओं की सेना का प्रतिनिधित्व करने वाली हमारी बहन हल्दी घाटी जिसके नाम से प्रसिद्ध है। आप ले लो राणा पुंजा भील, हमारे जो आज भी मेवाड़ के अंदर जो पूजा होती है उसमें हमारे भील समाज के उस सेनापति की भी साथ में मेवाड़ में पूजा होती है। उनको भारत के स्वाभिमान शौर्य और गरिमा का प्रतीक महाराणा प्रताप जी का मस्तक जनजाति समाज ने झुकने नहीं दिया। मित्रों क्यों नहीं झुकने दिया? क्योंकि उनको धर्म का बोध था, राष्ट्र की एकात्मता के प्रति उनके चेतना में वो भाव था। मित्रों इस तरीके से आप आएंगे आज़ादी के स्वतंत्रता समर में, एक तरफ से आप प्रत्येक राज्यों का विश्लेषण करेंगे तो ध्यान में आएगा कि मेरे प्रदेश में मेरे लोकसभा क्षेत्र में जंगल आंदोलन की शुभारंभ सरदार विष्णु सिंह जी उइके ने की थी। और मित्रों देखते देखते हजारों लाखों की संख्या में जनजाति समाज मध्य प्रदेश का आज़ादी के आंदोलन में जो उनकी महती भूमिका रही है, यदि यह बुद्धत्व नहीं होता, राष्ट्र की एकात्मता के प्रति उनकी चेतना चैतन्य न रही होती, यदि उनको अपने कर्तव्य का बोध न रहा होता तो क्या वे स्वतंत्रता संग्राम में कूदते? भाइयों बहनों मेरा अनुरोध है कि ये इतनी विषय की व्यापकता विशालता है और विविध तरीके से विविध कोणों से विविध तरीके से इस विषय के प्रतिपादन में जो महती भूमिका सारे शोधार्थियों ने और सारे विद्वज्जनों ने, जैसा कि आदरणीय भाई साहब ने कहा, डॉक्टर साहब ने, कि यहाँ संख्या भले कम हो, मित्रों बोनी का बीज बहुत ही कम रखा जाता है, हमारे घर 500 बोरी गेहूं होता है बोरे कुंटल, लेकिन बोनी का 25 ही कुंटल रखा जाता, तो ये सब बोनी का बीज है, ये एक 10-10, 20-20 कुंटल जहाँ भी ये डल जाएंगे, तो इस तरह से क्या है ये क्रांति पूरे देश में पैदा करने की सामर्थ्य ये चिंतक विचारक साधक सिद्ध रखते हैं। मैं एक बार फिर अंत में आयोजन समिति के सारे मैं विद्वज्जनों का मैं अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी बढ़िया इस वैचारिक सरिता में भाव स्नान और नई नई संकल्पनाओं के साथ में आगे बढ़ने का जो एक स्थान उन्होंने दिया है, एक वातावरण उन्होंने दिया है, इसके लिए मैं सभी भाइयों की ओर से मैं आयोजन समिति के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और मुझे भी यहाँ आपने बुलाया, दो शब्द कहने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दुर्गादास जी उइके। आज मुझे लगता है कि आज के प्रथम सत्र में ही माननीय सांसद महोदय यहाँ पहुँच चुके थे और तब से आपने अधिकांश वक्ताओं को आज सुना है और जैसा कि उन्होंने बताया कि मैं अंतिम वक्ता के रूप में यहाँ उपस्थित हूँ, तो इतना लंबा सामान्यतः समय नहीं मिल पाता है व्यस्त लोगों के बीच। और मैं देख रहा हूँ जितने वक्ता हमने बुलाए थे बाहर से, आदरणीय डॉक्टर दिवाकर मिंज हैं जो कल उद्घाटन सत्र से अब तक लगातार यहाँ बैठे हुए हैं, बीच में इनकी प्रस्तुति भी हुई है, और राजकिशोर हांसदा जी हैं, ये दो तीन लोग हैं जो बिल्कुल उस समय से अभी तक, कल से आज तक डटे हुए हैं और लगातार बीच बीच में इनकी प्रस्तुतियाँ भी हुई हैं, बाकी लोग आते गए हैं जाते गए हैं। श्रोता हमारे बिल्कुल अच्छा, मुकेश मिश्र जी क्षमा करेंगे और जो श्रोताओं की संख्या की बात दो बार आई, आपने भी कहा, आदरणीय सत्यपाल जी ने भी और आदरणीय दुर्गादास जी ने भी, तो हमने आपका यह जो प्रेरक वचन था उसको आत्मसात कर लिया है और सभ्यता अध्ययन केंद्र ने यह निर्णय ले लिया है, संख्या ये यहाँ पर आज है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, अगले वर्ष फिर से अगस्त के महीने में ही हम लोग इस कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, संभवतः 5-6 अगस्त की तारीख रहेगी और तब तक यह विचार यात्रा सतत चलती रहेगी, बीच बीच में हम लोग इस विषय से संबंधित अलग अलग पहलुओं पर चर्चाएं करते रहेंगे जिस भी स्वरूप में कर पाएं। तो आज इस 2 दिवसीय संगोष्ठी का समापन यहाँ हो रहा है। औपचारिक रूप से धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं आमंत्रित करूँगा सभ्यता अध्ययन केंद्र के हमारे निदेशक
श्री रविशंकर जी को। इसके बाद संगठन सूक्त का पाठ होगा और समापन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रितेश जी। संख्या की बात मैं बताऊं, एक बात, संख्या हमारी पूरी ठीक है। माननीय सत्यपाल जी और दुर्गादास जी या संजय जी, सबको मैं कहना चाह रहा था, मैं बल्कि केवल आपको लगा ऐसा नहीं है, सबको लगा होगा, हमने हॉल बड़ा चुना, संख्या इतनी रखनी थी मुझे। दरअसल क्या है, कोई भी, मैंने ये महसूस किया है कि जो बौद्धिक आयोजन होते हैं, यदि उसमें 200-300 की संख्या हो, तो आप विमर्श नहीं कर सकते, आप व्याख्यान दे सकते हैं। तो व्याख्यान होंगे, सब सुन के फिर सब घर जाएंगे। और मुझे थोड़ा इस बात का खेद है मन में कि यहाँ भी हम जैसा विमर्श मैं चाह रहा था कि मैं करा लूँ, वो दो सत्रों में हम कर पाए। इंटरैक्टिव सेशन, जहाँ संवाद हो, तो जो बैठे हैं उधर वो भी कुछ बोलें, वो कुछ प्रश्न रखें, तो इसलिए मैंने एक प्रयास किया कि अधिकतम लोग बोल सकें, तो उनको समय कम मिला, उसका भी मुझे खेद है कि मैं 10-10 मिनट मैंने उनको दिया, लेकिन मैंने ये प्रयास किया कि अधिक से अधिक लोग बोलें। तो इसलिए इस बार मैं जो अभी रितेश जी ने घोषणा की है, मैं आपको आश्वासन देता हूँ, हम पूरे देश में और वर्ष भर हम इन गोष्ठियों को जारी रखेंगे। तीन विषय उठाए हैं, हर एक विषय पर हम कई सारी गोष्ठियाँ करेंगे, अलग अलग क्षेत्रों में करेंगे। मैंने प्रारंभ जब किया था हम लोगों ने संगोष्ठी का, उस वक्त भी मैंने कहा था ये शुरुआत है, ये कोई समाप्ति के नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि एक सेमिनार हमने किया समाप्त हो गया, तो ये एक प्रारंभ कर रहे हैं, आगे बढ़ाएंगे इसको। तो मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहता हूँ आदरणीय सत्यपाल जी का, आदरणीय दुर्गादास जी का, आदरणीय संजय जी का। बहुत कम समय में इन्होंने, मतलब सूचना मैंने बहुत देर से दी, लेकिन उन्होंने समय निकाला। संजय जी को तो बहुत देर से मैंने सूचना दी, लेकिन फिर भी उन्होंने समय निकाला, आए और हमें आशीर्वाद दिया, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। सभ्यता अध्ययन केंद्र की पूरी टीम आभारी है। हम बहुत बड़ा संगठन नहीं है, बहुत छोटा संगठन है सभ्यता अध्ययन केंद्र। और अभी एक अधिकारी के, मैं नाम नहीं लूँगा, मैं किन्हीं के पास गया एक प्रोजेक्ट लेकर, मैंने बताया कि ये हम काम करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा देखिए सभ्यता अध्ययन केंद्र को जानता कौन है, इसलिए आपको यह प्रोजेक्ट नहीं मिल सकता, तो आपको थोड़ा और अभी करें, छोटा छोटा कुछ प्रयास करें। हम लोग छोटा प्रयास ही कर रहे हैं, इस छोटे प्रयास को भी आप आशीर्वाद देने पधारे आप तीनों, तो मैं सच में बहुत आभारी हूँ, मेरा हृदय बहुत गदगद हो रहा है। हमारे इस केंद्र के निमंत्रण पर, हालांकि मैं एक बात बताऊं, इस केंद्र के साथ एक बड़ा नाम भी जुड़ा है हमारे साथ, कल्याण आश्रम बहुत बड़ा नाम है, और मैंने कल्याण आश्रम की विशालता को देखा है, अनुभव किया है, मैं प्रचारक रहा हूं, मैंने उस काम को देखा है, बहुत गंभीरता से देखा है, उसके साथ समरस रहा हूं। तो कल्याण आश्रम बड़ा नाम था, ये भी एक कारण है। हमने प्रयास किया, देश भर से कुछ प्रमुख लोग जो विद्वान हैं जिन्होंने इस पे काम किया, जैसे मुकेश मिश्र जी बैठे हैं हमारे बीच में, उन्होंने मुझे ये दृष्टि दी थी जनजाति देवलोक को समझने के लिए कि इसको समझो तो जानो। तो पहली बार जानना मैंने प्रयास जो शुरू किया मुकेश मिश्र जी का आमंत्रण से, वहाँ से शुरू किया था, और फिर वहाँ जिनको मैंने सुना, राजकिशोर हांसदा जी मुझे यहाँ मिले, वहीं मिले थे भोपाल में ही, राजकिशोर जी, राजीव रंजन जी को मैं पहले से सुनता रहा हूँ, ऐसे ढेर सारे नाम जो वहाँ पर मिले, फिर बाद में राजपिपला में मिले, उनको एकत्र करने का प्रयास हमने किया है। आगे इस यात्रा को हम बढ़ाएंगे, जो भी बाहर से आए सभी का, वक्ताओं का, जो विद्वान लोग हैं, दिवाकर मिंज हैं, लंबे समय बाद उनसे मिलना हुआ, उन सबका मैं आभारी हूँ। बहुत कम समय सूचना मैंने जो दी है, बहुत कम शॉर्ट नोटिस पर सूचना थी, फिर भी वो आए, उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जो दिल्ली NCR से सुधीर जन आए हैं सुनने के लिए, मैं बताऊं यहाँ जो सुनने के लिए भी आए हैं वो सब ऐसे हैं जैसे उन्होंने कहा ना, बीहन का बीज हैं, तो वास्तव में वो बीहन के बीज हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में एक संस्था है, हर व्यक्ति यहाँ जो उपस्थित है, और वह लिखने पढ़ने के मामले में उनके अंदर इतना दम है कि वो खड़ा कर सकते हैं स्वयं से एक आंदोलन। तो ऐसे सब लोग यहाँ पर आए और इन 2 दिन समय दिया, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। यह जो सभागार मिला है, ये सभागार भी मैं बताऊं, कई लोगों ने मुझसे पूछा ये क्या है, इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलरेटर सेंटर, नाम ही नहीं सुना था बहुतों ने,
और आदरणीय राजकुमार भाटिया जी कल आए थे, उन्होंने जाते समय पूछा कि क्या है ये। फिर मैंने उनको बताया ये विज्ञान का केंद्र है, इसलिए वामपंथियों को पता नहीं चला, तो छात्र संगठनों को भी पता नहीं चला क्योंकि वो उसी चक्कर में रह गए। यह विज्ञान का केंद्र है, न्यूक्लियर साइंस सेंटर है, और मुझे ओम प्रकाश पांडे जी ने इसके बारे में बताया, और तब मैं यहाँ मिला, यहाँ जो डायरेक्टर हैं उन्होंने इतनी उदारता के साथ केवल यही उपलब्ध नहीं कराया, उन्होंने ये रास्ता बताया कि यह हॉल आपको निःशुल्क कैसे मिलेगा। फिर उन्होंने कहा यदि आपसे नहीं होता तो मुझे बताइए, मैं संजय द्विवेदी जी को कह दूंगा और वो आ जाएंगे साथ में और आपको मिलेगा यह हॉल निःशुल्क। तो मैंने कहा संजय द्विवेदी जी को मैं आपसे कहलवाऊँगा तो वो नाराज़ हो जाएंगे मुझसे, तो मैं ज़रूरत पड़ेगी तो मैं स्वयं जाऊँगा उनके पास। तो उन्होंने बड़ी सहृदयता के साथ ये सारी व्यवस्था दी, उनका भी मैं बहुत आभारी हूँ। और यहाँ जो सारे कर्मचारी हैं इस केंद्र के, बहुत ही तत्परता से लगे हुए हैं। आप देखेंगे नीचे सारे कामों में, सारी व्यवस्थाओं में रात तक लगे रहते हैं, 8:30-9 बजे तक वो काम करते हैं। आज छुट्टी का दिन है फिर भी वो सब आए हैं, तो मैं उन सभी कर्मचारियों का आभार प्रकट करता हूँ। और जिन्होंने भी सहयोग किया, जिनका नाम मैं भूल रहा हूँ, मुझे स्मरण नहीं है, उन सभी का आभार प्रकट करता हुआ मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्ति की घोषणा करता हूँ। संगठन सूक्त के बाद हम ये करेंगे। अजीत शुक्ल जी से निवेदन कि संगठन सूक्त के लिए कृपया आएँ। सभी लोग अपनी कमर सीधी कर लें और हम जो है कल्याण मंत्र के साथ जो है अपने 2 दिवसीय संगोष्ठी का जो है समापन करेंगे। हमें एक बात बड़ी अच्छी लगी, 1 मिनट मैं लूँगा, दुर्गादास जी ने जो कहा अमृतकाल, तो हम अपने जीवन में ये बात जरूर रख लें कि प्रतिदिन 24 घंटे में एक अमृतकाल मिलता है, और ये समय लगभग 31 मिनट से लेके 1 घंटा 29 मिनट का होता है। किसी दिन ये 32 मिनट का होता है, किसी दिन 50 मिनट का होता है, किसी दिन 60 मिनट का होता है, मैक्सिमम 1 घंटा 29 मिनट का होता है। सो हमें जो है आज यहाँ से ये लेके जाना है कि हम प्रतिदिन कम से कम 31 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा 29 मिनट जो है इस विचार गोष्ठी को स्मरण करते हुए अपने इस यात्रा को जो है हम चलाएंगे, ये हमें जो है अपने मन में लेके यहाँ से जाना है। अब कल्याण मंत्र के साथ जो है हम लोग करेंगे, मैं पहली लाइन का आधा करूँगा, उसके बाद सभी लोग सामूहिक करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही।